सबसे ज्यादा शिवलिंग है और अभी अभी जस्ट हम लोग पूजा करके निकले हैं स्पेशल अंदर से, और अभी जो है नेक्स्ट एक और मंदिर है इसी के अंदर। बच्चा पार्टी कैसा लग रहा है? यहाँ पे वैसे तो पानी बहुत रहता था लेकिन अभी जो है बहुत कम पानी है, तो हम लोगों का मूड ऑफ हो चुका है पानी की फोर्स को देखते हुए। नहीं तो हमारा इरादा था कि हम लोग नहाएंगे लेकिन लग नहीं रहा है कि हम लोग नहा पाएंगे और बारिश शुरू हो चुकी है, बट फिर भी हम लोग बहुत इंजॉय करने वाले हैं। चलो चलो। और ये जितना भी पत्थर आप देख रहे हो ना, सब पे से जो है पानी जाते रहता था और बीच से ये रास्ता है, लेकिन अभी जो है पानी की कमी की वजह से ये जो वाटरफॉल है वो बहुत ही मतलब सूखा पड़ा हुआ है। ओह गॉड, बहुत ही स्लिपरी ये पत्थर है और देख रही हूँ मैं, जाने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ पे लोग नहाते हैं, जब फोर्स ज्यादा रहता है ना तो यहाँ पे लोग जो है बैठ के नहाते हैं, और बहुत ही खूबसूरत ये जगह है। लेकिन पानी की कमी की वजह से हमें पता नहीं था कि पानी नहीं होगा, लेकिन यहाँ के बगल में की ऐसे देखियो ना पीछा में पांच यार मंकी सेल्फी ले लिया, मंकी से ले लिया, एक फोटो लिया। अरे मम्मी है, ये भी आया हुआ है घूमने के लिए, बहुत ही सही है। देखो मंकी आया, देखो मंकी आया, मंकी तुम्हारा दोस्त। नहीं नहीं जाए, नहीं कुछ करेगा, हम ना बैठो कुछ नहीं करेगा। बच्चा पार्टी देखने आया? ओ बच्चा पार्टी देखो इधर मजा आ रहा है। अरे नहीं नहीं गंदी बात। आकांक्षा हमारी सीता माता वहाँ पे अपहरण होके बैठी हुई है अशोक वाटिका में, लेकिन सीता माता जो है वो अशोक पेड़ के नीचे बैठी थी, लेकिन ये हमारी आकांक्षा माता छतरी के नीचे बैठी है। अरे बंदर मेरा बोतल दे दो, बंदर ये लोग फुल एंजॉय कर रहे। और देखिए इनकी सेना और आ गई सीता माता के खोज में, हनुमान जी सीता माता के खोज में हनुमान जी जा पहुंचे हैं अशोक वाटिका, अही के ताके ले जा रहे। ये देखिए बानर सेना, और इतना अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ पे और इतना मजा किया है हमने, बहुत बहुत एंजॉय किया है यहाँ पे। और अब हम लोग जो है थोड़ा और नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कि वहाँ पे शिवलिंग है। वहाँ पे शिवलिंग है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, तो पहले हमारा प्लान था नहाने का लेकिन अब प्लान जो है वो कैंसिल हो चुका है, अभी हम लोग नहाएंगे नहीं क्योंकि पानी का लेवल जो है वो बहुत कम है तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए अभी जो क्या है कि हम लोग इंजॉय करते हैं यहीं पे ही,
और देखते हैं और नीचे क्या सब है। तो जब पानी का लेवल और ऊपर आएगा तो हम लोग एक बार फिर से और यहाँ पे आएंगे। लेकिन बिना पानी का भी ना यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि जगह ही इतना खूबसूरत है कि आप देख सकते हो चारों बगल जो है जंगल है और जंगलों के बीच में ये जगह है। तो बहुत ही मजा कर रहे हैं हम लोग, और सबसे बड़ी बात है कि सबके साथ आए हुए हैं तो इसलिए बहुत मजा आ रहा है। और बच्चा पार्टी जो है ना वो पूरा पानी में तब से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। और ये लोग एक दूसरे को भिंगाने पे लगे हुए हैं, आधा भींग ही चुके हैं ये लोग। और ये काफी खूबसूरत जगह था, ये आपने तो देख ही लिया। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। और ये जब पानी का लेवल बहुत रहता है, फोर्स बहुत रहता है, तो इन सभी पहाड़ों से ना पानी गिरते रहता है, जो कि हम लोग देख के आए थे। लेकिन अभी पानी का लेवल बहुत ही कम है, पानी सूख चुका है पूरा, तो इसलिए उतना मजा नहीं आया, लेकिन फिर भी ठीक है। निकलो, अब हो गया। अरे निकलो निकलो, बहुत टाइम हो गया है। मजा आ रहा है तुमको? कितना पूरा मजा आ रहा है? चलो ठीक है, चलो ठीक है। शूज डेटा तुम्हारा ले लिए, चलो और फोटो शूट कर। आपस में बात कर रहे हैं ये बंदर और डॉगी, देखना चाहिए बात। यही के मोबाइल छी? हाँ, ये जो पूरा ये जो पेड़ है उसके ऊपर ना पूरा बंदर भरा पड़ा है, उसका पूरा समाज है। और ये आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि अंदर पूरा घुसा हुआ है, आप देख सकते हो। मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ, इसमें पूरा ही बंदर है। हाँ, दोनों लड़ाई कर रहे हैं ना, सही बोल रही हो। हो गया हो गया, आज तो पूरा ही झगड़ा हो गया। हाँ, इस खतरनाक रास्ते से जो है हम लोग अब शिवलिंग के पास जा रहे हैं नीचे। यू केयरफुल आना। हाँ, ये ऐसे है पूरा ही स्टोन को ना कट कट के जो बना काट काट के बनाया गया है, तो बहुत ही खतरनाक रास्ता है और बहुत ही केयरफुल होके जो है नीचे उतरना पड़ता है। देख रहे हो सारा ही रास्ता ऐसे है। और यहीं पे वो शिवलिंग है, ये आप देख सकते हो। तो हम लोग फाइनली नीचे पहुंच गए हैं, उतना रास्ता तय करके, कठिन रास्ता। और अब समझ में नहीं आ रहा कि किधर से जाए, किधर से जाएंगे। की भेल जब पानी रहता है ना तो इधर से पानी गिरता है और शिव जी के ऊपर आता है पानी का फोर्स। बहुत ही खूबसूरत ये लगते रहता है, लेकिन पानी चूंकि अभी बहुत कम है, नहीं है, तो इधर से तो बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है, बस साइड से ही गिर रहा है। और उसी को लोग एंजॉय कर रहे हैं, नहा रहे हैं। रुको रुको, और सारे लोग जो है एंजॉय कर रहे हैं पानी के साथ। हम लोग भी सोचे थे नहाएंगे, लेकिन पानी बहुत कम है तो मन नहीं कर रहे। हेलो हेलो हेलो,
तो हम लोगों ने जो है फाइनली नहा लिया, क्योंकि पानी इतना ठंडा ठंडा था और बहुत ही मजा आ रहा था, इधर फोर्स भी बहुत ज्यादा था, तो हमने सोचा कि मिस नहीं करते हैं और जब आएंगे तब का देखेंगे। अभी इस पानी में नहाते और बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। तो अब जल्दी से निकलते हैं यहाँ से, कपड़ा चेंज करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। झरना में स्नान करने के बाद अभी हम लोग फ्रेश हो चुके हैं और ड्रेस वगैरह हमारा चेंज हो चुका है, और थोड़ा सा आगे जहाँ पे हम लोग गए थे वहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद जो है हमें एक जगह मिली है जहाँ पे हम लोग पिकनिक मनाने वाले हैं, और व्यू देख सकते हो काफी खूबसूरत है। वहाँ पे हम लोगों ने इसलिए नहीं खाया क्योंकि बंदरों का पूरा बारात था, झुंड था, खड़ा होने नहीं दे रहा था, तो खाने क्या देता। तो इसी वजह से हम लोग जो है वहाँ से निकल के थोड़ी और दूर आने के बाद एक हमने ऐसे जगह ढूंढा जहाँ पे हम लोग अच्छे से खा सके। तो अभी हम लोग जो है यहाँ पे वेट कर रहे हैं, और ये देखो क्या व्यू है, क्या लोकेशन है जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं खाना खाने के लिए। तो ये दो हमारा गाड़ी है जिससे हम लोग आए हुए हैं, तो वहाँ से हम लोग जो है खाना वाना निकाल रहे हैं, और यहाँ पे हमारा पूरा बटालियन आ चुका है पिकनिक के लिए। म्यूजिक सिस्टम का भी पूरा व्यवस्था किया गया है यहाँ पे, और इसमें जो है पूरा खाना है, तो इसमें हम लोग जो है पूरा खाना वाना लेके आए हुए हैं। पानी कहाँ से गिरा देवनाथ जी? माछ खोलियो ना, यहाँ पे मछली जो है निकल चुकी है भात के साथ, राइस के साथ, और यहाँ पे है छोले, देख सकते हैं वैरायटी कितना सारा है खाने का, पराठा है। बच्चा पार्टी कैसा लग रहा है? मजा आया? तो अभी जो है हम लोग पिकनिक कर रहे हैं और पूरा फोकस जो है वो हम लोग खाने में डाल रहे हैं, खाते हैं, उसके बाद फिर हम आप लोगों से मिलते हैं। तो पूरा फोकस पहले खाना पे करते हैं। देखो चंदन जी की केहन व्यवस्था, बहुत बढ़िया मस्त व्यवस्था, जबरदस्त पराठा रोटी। हाँ बैठ जाओ। पूरा मेहनत किया, ये देख सकते हैं सैलेड हमारा तैयार है, साथ में टमाटर भी है, हम टमाटर पे फोकस कर रहे हैं। देखिए आकांक्षा टमाटर भी लेके आई हुई है। नहीं, क्या आ गए? माछ भात घुगनी और की चाहिए? माछ लेब आबे छी माछ लेब आओ। संजीव जी, चंदन जी, माछ, संजीव जी, अहा माछ पर फोकस करियो, व्रत तोड़ लो, सावन टूट गया, सावन यही गाना आता है। बच्चा पार्टी मजा आ रहा है, चलो चलो बेटा आराम से बैठ जाओ। बहुत ही मस्त था खाना, बहुत जबरदस्त खाना का इंतजाम किया है ये लोग, सच में बहुत ही टेस्टी है, मछली भी सब्जी भी सब टेस्टी है। मम्मा तुम कुछ बोलना चाहोगी? जैसा अगली कक्षा लगती है Thank you.
होके अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। और अभी अभी पता चला है कि हम लोग जा रहे हैं कोटिलिंगेश्वर, क्योंकि यहाँ से जो कोटिलिंगेश्वर है वो पास है, शिव जी का बहुत ही बड़ा टेम्पल है, और यहाँ से हमें जो है ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर है, तो वही 50 मिनट के करीब जो है वो लग जाएगा इतना टाइम, 1 आवर के चलते है, तो बहुत मजा आने वाला है। और रास्ता इतना खूबसूरत है ना कि मजा आएगा। और मैं इससे पहले भी कोटिलिंगेश्वर अपने मम्मी पापा के साथ गई थी, तो बहुत अच्छी जगह है। और वहाँ पे ऐसा है कि अगर आप मन्नत मांगते हो और वो पूरा हो जाता है, तो आप एक शिवलिंग जो है खरीद के वहाँ पे स्थापित कर सकते हो। तो वहाँ पे 1 लाख से ऊपर जो है शिवलिंग है, तो बहुत खूबसूरत जगह है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को भी ले चलूं अपने साथ साथ। तो चलिए आप लोग भी रास्ता को एंजॉय कीजिए जैसे हम लोग कर रहे हैं। थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इधर का रास्ता, और फिर मिलते हैं कोटिलिंगेश्वर में। कोटिलिंगेश्वर पहुंच चुके हैं, और बहुत ही बड़ा यहाँ पे आके धक्का लगा। पता चला कि फ्रॉक पहन के, मतलब 1 पीस पहन के अलाउड ही नहीं है मंदिर के अंदर जाना, तो हमें पहले तो पता नहीं था, तो हम लोग आ गए। और अब जो है लगा कि वापस जाना पड़ेगा, फिर एक ऑप्शन निकला कि हम लोग यहाँ पे लगी जो है वो परचेज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है आराम से जा सकते हैं अंदर। तो अभी चलिए लेगिंग्स लेते हैं। नालक बेका नालक सेम साइज को एक्सेल 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 लार्ज 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 आमा मीडियम मीडियम और रेड कलर भी रेड कलर कोड़ी ना पूरा। और ये भी शॉर्ट्स पहन के आए थे, तो इनको जो है धोती खरीदना पड़ रहा है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। ये वैसी नहीं है, ब्लैक कलर में है क्या? ब्लैक नहीं, पापा को बोल लो। तू कौन है बेटा? तो हम लोग सब जो है लेगिंग्स पहन चुके हैं, लेगिंग्स पहन के हम लोग जो है तैयार हो गए हैं, ब्लैक ब्लैक। और देवनाथ जी धोती दिखाइए अपना, और ये इनका धोती चमक रहे हैं दूर से ही। और यहाँ से जो है हम लोग स्पेशल एंट्री कर रहे हैं संजीव जी के कृपा से। तो यहाँ से जो है सीधे जो है अंदर चले जाएंगे हम लोग। ओम नमः शिवाय। और यहाँ पे जो है वो 1 करोड़ बस होने ही वाला है शिवलिंग। तो मुझे लगा था कि 1 लाख से ज्यादा है, लेकिन नहीं, अब 1 करोड़ होने वाला है यहाँ पे। तो आप देख, हो गया ओके, तो 1 करोड़ हो चुका है। तो मैंने जो है तभी गलती से बोल दिया था कि 1 लाख से ज्यादा नहीं, 1 करोड़ से ज्यादा है यहाँ पे कोटिलिंगेश्वर का। कोटि मतलब होता है करोड़, तो यहाँ पे 1 करोड़ से ज्यादा शिवलिंग है। और अभी अभी जस्ट हम लोग पूजा करके निकले हैं स्पेशल अंदर से। और अभी जो है नेक्स्ट एक और मंदिर है इसी के अंदर, पहले वहाँ पे जा रहे हैं पूजा करने के लिए, उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग दर्शन करेंगे। तो फोन अलाउड नहीं है, तो बंद कर रही है। जगन्नाथ जी भोलेनाथ की इच्छा भेल, सही बात है। देखो बुलिया को हमारा पूजा बहुत अच्छे से अंदर हो गया है, और अभी हम लोग बाहर हैं शिवलिंग के पास। तो यहाँ पे जो है लोग अपना मन्नत जिनका पूरा होता है वो यहाँ पे शिवलिंग स्थापित करते हैं, तो उसका प्रोसेस होता है। तो ये जो नॉर्मल जो शिवलिंग है उसका 10,000 है, और जिसमें नाम लिखा हुआ होता है नीचे, और उसका 35,000 लगता है। तो ये सब है
है यहाँ पे। वैसे वेदर इतना अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी हम लोग थोड़ी देर जो है ध्यान करेंगे, पूजा करेंगे और उसके बाद जो है यहाँ से निकलेंगे। तो थोड़ी देर जो है टाइम स्पेंड यहाँ पे करेंगे। देखिए शिवलिंग जो कि यहाँ का सबसे बड़ा शिवलिंग है और यहाँ पे लोग आते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद फोटो वोटो क्लिक करते हैं। के बाद अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। बहुत अच्छा टाइम बीता यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा और काफी टाइम हमने यहाँ पे स्पेंड किया। तो ये था हमारा पूरा आज का ब्लॉग। होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर ही कीजिएगा। और अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे, घर पहुँचेंगे, पहुँचते पहुँचते 12 तो बज ही जाएगा। तो इसके लिए अब मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।